गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश की नोटबुक में वर्क करेंगे और सीखेंगे यूज ऑफ दिस दैट एंड। आज हम तीनों का यूज सीखेंगे। कल आप लोगों ने सीखा था दिस और दैट, आज इसमें एंड भी सीखेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट पिक्चर किसकी बनी है? फिश। किसकी बनी हुई है? फिश। तो अब आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर क्या आएगा, दिस आएगा या डेट आएगा? दिस, क्योंकि पास में है ना फिश। देखिए ये फिश पास में है, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके पास में है ना फिश, तो क्या लिखेंगे? दिस इज ए फिश। This is a fish. क्या लिखेंगे? This is a fish. पास के लिए क्या लगाते हैं? This. 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 T कैपिटल लेटर में बनाएंगे और बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर में बनाएंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और आज भी बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से वर्क करेंगे, ठीक है? आप थोड़ा सा स्पेस देंगे और क्या लिखेंगे? इज, आई एस इज, दिस इज, दिस इज अ, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आ लिखेंगे, दिस इज अ फिश, एफ आई एस एच, दिस इज अ फिश, एफ F बनाइए, F I S H, this is a fish। और फिर लाइन के बाहर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। This is a fish, this is a fish। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर देखिए अब आप। Q for queen, किसकी पिक्चर है ये? क्वीन। आप लोगों ने स्पेलिंग लर्न की है ना, तो ये किसकी पिक्चर है बताइए? क्वीन। क्वीन की स्पेलिंग QUEEN, क्वीन। अब ये बताइए यहाँ पर आप लोग किस तरह सेंटेंस लिखेंगे? पिक्चर को देखिए, दूर है या पास है? दूर में है तो किस तरीके से लिखेंगे? दैट इज अ क्वीन, दैट इज अ क्वीन, QUEEN, क्वीन, दैट इज अ क्वीन। लिखिए THAT, दैट, THAT, दैट, टी कैपिटल लेटर में बनाएंगे, HAT, दैट पास पास लिखेंगे, THAT, दैट, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे और क्या लिखेंगे? इज, IS, दिस इज अ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, अब लिखेंगे अ क्वीन, QUEEN। तो यहाँ लोअर थ्री लाइन में क्यू बनाएंगे, उसके बाद मिडिल लाइन में ही UEEN, ये मिडिल लाइन में ही लिखेंगे, ओके? QUEEN, क्वीन, क्वीन, दैट इज अ क्वीन। आप लोगों ने क्यू फॉर क्वीन की स्पेलिंग लर्न की है ना, अगर भूल गए हो तो दोबारा से अच्छे से लर्न करिए इसे, ओके? नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? CAT, कैट, कैट लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर पिक्चर भी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? डॉग, DOG, डॉग। अब मैंने आपको बताया था, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब दो चीज को जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं बीच में? एंड, जैसे बैट एंड
बॉल और कैट एंड डॉग, इसी ये क्या लिखा है कैट। अब आप लोग यहाँ पर कैट के और डॉग को जोड़ेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे एंड, और फिर पिक्चर किसकी बनी हुई है डॉग की, तो डॉग की स्पेलिंग लिखेंगे। बैट एंड बॉल, इरेजर एंड शार्पनर, बुक एंड पेंसिल, दो चीज़ों को जोड़ते हैं ना, जैसे शार्पनर है और इरेजर है, इन दोनों को बोलेंगे एक साथ जोड़कर तो कैसे बोलेंगे इरेजर एंड शार्पनर। बैट एंड बॉल और पेंसिल एंड इरेजर, बुक एंड पेंसिल, कुछ भी बोल सकते हैं जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं एंड। अब यहाँ पे भी तो दो चीज़ है ना, कैट CAT कैट और ये क्या है डॉग, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो बीच में क्या लगेगा एंड, कैट एंड ये क्या है पिक्चर डॉग, DOG डॉग, कैट एंड डॉग, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे कैट एंड डॉग। तो आप लोगों को ये वाला वर्क अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है, इसमें आपको दिस दैट और एंड का यूज़ करना सीखना है। ओके, तो आप लोग अब अच्छे से वीडियो देखिए और अच्छे से ध्यान से सीखिए। ओके बच्चों, बाय बाय।